Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear daughters of class 9th, assalamu alaikum to all of you. Dear students, today we are going to read a poem titled I Cannot Remember My Mother. This very poem is written by a prominent poet, Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, who's from Bengal, West Bengal. Rabindranath Tagore, born in 1861. Dear students, Rabindranath Tagore was an Indian poet, a philosopher, a Nobel laureate. He was born in Kolkata, in West Bengal. He began to write poetry as a child. His first book appeared when he was 17 years old. After a brief stay in England in 1878, Rabindranath Tagore studied law in Britain, then he returned to India. While in India, he rapidly became the most important and popular author of the colonial era. He writes poetry, short stories, novels and plays. He composed hundreds of popular songs. In among these songs, one, the national anthem, is also composed by this great poet, that is Jana Gana Mana Adanayak. तो पहले बच्चों 1929 ईस्वी में ये पेंटिंग करना शुरू करता है। टैगोर पहले पहल इसने बंगाली में लिखना शुरू किया क्योंकि बंगाली इसकी मदर टंग थी। उसके बाद इसने खुद ही इनका ट्रांसलेशन शुरू करना शुरू किया अंग्रेजी में। अंग्रेजी में भी ये गहरी महारत रखता था, अंग्रेजी ज़ुबान पर काफ़ी इसको दस्तरस हासिल थी। तो जो इसको चाहने वाले थे, जो इसके मुदा थे, वो काफ़ी मुतासर थे इसकी इस ज़ुबानदानी पर जो वो इंग्लिश में लिखा करता था। तो 1913 ईस्वी में इसको नोबेल प्राइज़ मिलता है। 1915 ईस्वी में इस जो नोबेल प्राइज़ को गीतंजलि पर में अदब के हवाले से गीतंजलि पर मिलता है। 1915 ईस्वी की बात है जब इससे बरतानी हुकूमत अवार्ड देती है, इनाम देती है बहादुरी के हवाले से। तो लेकिन ये 1919 में जब अमृतसर में एक बड़े पैमाने पर गदर होता है बरतानी फौजों के हवाले से, वो मासूम लोगों पर, नहते लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करके 400 से ज़्यादा लोगों की वहाँ हत्या कराती है, तो उसके एहतजाज में रविंद्रनाथ टैगोर फिर वो अंग्रेज़ों का जो उसे इनाम मिला था वो वापस कर देता है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोइट के हवाले से। तो आइए प्यारे बच्चों, हम सीधे अब इस पोइम पर जाते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों, मैं पहले इस पोइम में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसकी तरफ हम जाते हैं पहले। द पोइम इज अबाउट द सेंसिटिव एंड इंटेंस फीलिंग्स ऑफ ए चाइल्ड। यहाँ बच्चों के जो अपने बच्चे का जो अपनी माँ के हवाले से फीलिंग्स होती है, जो वो तासुरात होते हैं अपनी माँ के हवाले से एक बच्चे की, वो इसमें डिस्कस किए पोइट ने। ही रिमेंबर्स ऑल द थिंग्स दैट हिज मदर यूज टू डू। इसमें वो अपनी माँ की वो तमाम यादें इसको आती हैं जो माँ उसके बचपन में
इसके साथ यानी इस छोटे बच्चे के साथ किया करता था, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जो व्यवहार वो अपनाती थी अपने इस छोटे से बच्चे के साथ, वही इसमें डिस्कस किया है इस पोइट ने। तो आइए हम सीधे प्यारे बच्चों इसी पोइम पर अब जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, ओनली समटाइम्स इन द मिडस्ट ऑफ माई प्ले ए ट्यून सीम्स टू हवर ओवर माई प्ले थिंग्स, द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड टू हम व्हाइल रॉकिंग माई क्रेडल। बच्चा जो रविंद्रनाथ टैगोर होता है, माँ को इसने बचपन में ही खो दिया होता है, उसकी माँ इस दुनिया से चली जाती है जब ये अभी छोटा सा बच्चा ही था। रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ कहता है कि मुझे अपनी माँ याद नहीं है, हाँ तब मुझे अपनी माँ याद आती है जब मैं मगन होता है उन खिलौनों के साथ जिनके साथ मैं खेला करता हूँ। तो उन खिलौनों के साथ जब मैं मगन होता है, मशगूल होता हूँ, बिजी होता हूँ, तो मुझे वो मशगूलियत रोक देती है। क्यों? कि मुझे अपनी माँ याद आती है। माँ का वो वक्त मुझे याद आता है जब माँ मेरे इस क्रेडल को, मेरे झूले को कभी आगे कभी पीछे करते करते यानी इसको झुलाते, मेरे झूले को झुलाते हुए हम जैसी गाना गाती थी, यानी हम जैसी माँ बच्चे को सुलाने के लिए या उसको राहत देने के लिए अपनी कोख में कभी लेती है तो कभी क्रेडल में इसको ले रखती है, तो फिर वो अंदर ही अंदर से वो गाना गाती है यानी ऐसी। इस चीज़ का जिक्र यहाँ पोइट ने किया है, यानी मुझे तब मुझे अपनी माँ याद आती है। उसके बाद सेकंड स्टेंजा में क्या फरमाता है शायर, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर बट वेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग द स्मेल ऑफ शूली फ्लावर्स फ्लोट इन द एयर द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर। मुझे तब भी मुझे माँ याद नहीं है, याद नहीं आती है मुझे माँ, हाँ तब मुझे याद आती है जब खजां का मौसम होता है, खजां के मौसम के सुबह जब इस शीलू जो जो एक मशहूर फूल है बंगाल का, इसकी इन पत्तियों से जो महक आती है, जो खुशबू आती है, जो वो खुशबू ये शीलू का जो फूल है ये बिखेर देता है फिजा में या हवा में अपनी महक को, तो मुझे एकदम अपनी माँ याद आती है कि मेरी माँ भी इन पत्तियों को लेकर पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में जाया करती थी और मंदिर में जाकर इन पत्तियों को अपने साथ, इन फूलों को अपने साथ लेती थी तो वो महक देती थी उस मंदिर के फिजा को, तो मुझे उस वक्त अपनी माँ याद आती है। तो फिर लास्ट स्टेंजा में फरमाता है शायर, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, याद नहीं है मुझे अपनी माँ, मुझे याद नहीं आती अपनी माँ, हाँ तब आती है याद, कब? ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड माई आइज इन द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई, तब मुझे अपनी माँ याद आती है जब मैं अकेला अपने बेडरूम में होता हूँ और खिड़की से मैं बाहर अपनी नजरें फेर देता हूँ दूर नीले आसमान की तरफ, तो मुझे अपनी माँ याद आती है। I feel that the stillness of my mother's gaze on my face has separated all over the sky. तो मुझे माँ का वो मेरे चेहरे की तरफ तकना याद आता है, वो तकती रहती थी मेरे चेहरे को, देखती रहती थी, नजरें लगाती रहती थी मसलसल मेरी माँ मेरे चेहरे पर मेरे बचपन में, तो मुझे याद आती है जब मैं नजरें दौड़ाता हूँ आसमान नीले आसमान की तरफ दूर तक, तो मुझे हर तरफ अपनी माँ की वही नज़रें याद आती है, उसका वो मेरे चेहरे की तरफ तकना याद आता है
कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ हर तरफ से मुझे इस वक्त भी मेरे चेहरे को तकती है। तो यहाँ अपनी माँ की ममता का इजहार करता है शायर इस नज़म में। तो मेरे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। तो इसकी एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करते हैं। तो दीजिए अपने उस्ताद को तब तक इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।